You're watching Priyansh AgroTech. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. Hello friends, you're watching your YouTube channel Priyansh AgroTech. Hello दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube channel Priyansh AgroTech. So दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बाढ़ आ चुकी है. कंपटीशन एग्ज़ाम्स बहुत सारे आ चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, जैसे कि अभी हाल फिलहाल ही कृषि विस्तार अधिकारी के एग्ज़ाम्स हैं. तो आइए हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, जनरल एग्रीकल्चर, उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं. ये इस वीडियो का 5वां पार्ट है और आज हम बात करने जा रहे हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिनेरियो इन 2018 एंड 2019. आज हम फूड ग्रेन सिनेरियो पर बात करने जा रहे हैं. इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी अनाज प्रोडक्शन कितना रहा है 2018-19 में. तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2018-19 सेकेंड एडवांस एस्टिमेटेड, यानी क्या एस्टिमेटेड दिया गया था. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल सीरियल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 253.54 मिलियन मीट्रिक टन का यहाँ पर जो है एस्टिमेट बनाया गया था, यानी 253.54 मीट्रिक टन का यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया गया था और एस्टिमेट दिया गया था. टोटल पल्सेस प्रोडक्शन अगर दलहन की बात करें, दलहन कितना दिया गया था, तो दलहन का 23.95 यानी 23.95 मीट्रिक टन, जो कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो होता है 281.37 मीट्रिक टन यानी 281.37 मीट्रिक टन. अब बात कर लेते हैं फसलें कितनी और कौन कौन सी हैं और कितना उत्पादन होना चाहिए था. विच क्रॉप्स आर इन्वॉल्व एंड हाउ मच देयर प्रोडक्शन वैल्यू इज एस्टिमेटेड. सो सीरियल्स में अगर बात कर ले राइस, तो राइस का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 115.60 मीट्रिक टन यानी 115.60 मीट्रिक टन. दूसरा आता है वीट, सेकेंड इज वीट का देखें तो 99.12 मीट्रिक टन. न्यूट्रेटिव कोरस सीरियल्स की अगर बात करें, मोटे अनाज की अगर बात करें, तो मोटे अनाज जो है 42.64 मीट्रिक टन यानी 42.64 मीट्रिक टन. मेज़ यानी मक्का या कॉर्न की बात करें तो मेज़ का जो प्रोडक्शन है वो 27.80 मीट्रिक टन यानी 27.80 मीट्रिक टन. टोटल सीरियल प्रोडक्शन की अगर बात करें कि कुल मिला के कितना उत्पादन हुआ, द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्शन वैल्यू, तो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है 257.28 मीट्रिक टन यानी 257.2828 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन रहा है. वहीं अगर बात कर ले पल्सेस में यानी दलहन का उत्पादन क्या रहा है, तो दलहन का उत्पादन देख लेते हैं. दलहन में ग्राम, बंगाल ग्राम, चिकपी की अगर बात करें यानी चना, और आपका जो काबुली चना है वो, उसकी अगर बात करें तो उसका प्रोडक्शन रहा है 10.32 मीट्रिक टन, 10.32 मीट्रिक टन. ग्राम, बंगाल ग्राम और चिकपी की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 10.32 मीट्रिक टन. दूसरा आता है तुअर. तुअर को जैसे कि आप सभी जानते हैं, तुअर का बॉटनिकल नेम जो है कैजनस कजान है ना, इसको अरहर की दाल भी कहा जाता है. तो तुअर रेड ग्राम और अरहर 3.68 मीट्रिक टन इसका उत्पादन रहा है, 3.68 मीट्रिक टन. उर्द ब्लैक ग्राम, उर्द का जो उत्पादन रहा है 3.36 मीट्रिक टन यानी 3.36 मीट्रिक टन उत्पादन रहा है. अगर पल्सेस के टोटल प्रोडक्शन की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ पल्सेस प्रोडक्शन अगर बात करें कितना प्रोडक्शन आया, तो टोटल जो प्रोडक्शन था वो 24.02 मीट्रिक टन रहा है. आगे बात कर लेते हैं फूड, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन सीरियल्स प्लस पल्सेस, यानी कि दोनों उत्पादन कितने रहे हैं सीरियल्स का, अनाजों का और दलहन का मिलाकर, तो दलहन और अनाजों का जो उत्पादन रहा है वो 281.37 मीट्रिक टन. हमने ऊपर देखा था हमारा प्रोडक्शन वैल्यू कितना था और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या था, तो उस आधार पर हम देख सकते हैं कि 281.37 मीट्रिक टन जो है सीरियल्स और पल्सेस से हमको देखने को मिला. कमर्शियल क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, व्यावसायिक फसलों को अगर देखें हम, तो व्यावसायिक फसलों में सबसे पहला आता है ऑयल सीड्स. तो ऑयल सीड में आप देखें सोयाबीन का जो उत्पादन रहा है वो 13.69 मीट्रिक टन यानी 13.69 मीट्रिक टन. ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का अगर प्रोडक्शन देखें तो 6.97 मीट्रिक टन.
6.97 मीट्रिक टन, रैपसीड या मस्टर्ड, राई या सरसों की अगर हम बात करें तो 8.40 मीट्रिक टन, कास्टर सीड की अगर बात करें तो 1.77 मीट्रिक टन यानी 1.77 मीट्रिक टन। टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन की अगर बात करें, कुल तिलहनी फसलों की अगर बात करें, कुल तिलहनी फसलों में 31.50 मीट्रिक टन। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बात कर रहे थे हम लोग कि टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना है, 31.50 मीट्रिक टन। इसमें कॉटन की अगर बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कॉटन से भी कॉटन ऑयल निकाला जाता है, तो कॉटन जो है वो 30.08 मिलियन बैल्स, कॉटन का जो काउंटिंग होता है वो बैल्स में किया जाता है यानी गट्ठों में किया जाता है, इनके गट्ठे बनाए जाते हैं, बैल्स बनाए जाते हैं। तो एक बैल बराबर कितना होता है, तो एक बैल बराबर 170 केजी यानी 170 केजी का एक बैल बनाया जाता है, एक गट्ठा बनाया जाता है। शुगर केन की अगर बात करें तो 380.8 मीट्रिक टन, शुगर केन का जो टोटल उत्पादन रहा है वो है 380.8 मीट्रिक टन। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं सामने, ये आंकड़े जो है डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स 2019 से हमको प्राप्त हुए हैं, इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स डिपार्टमेंट जो है उनसे हमको ये आंकड़े जो है प्राप्त हुए हैं। इसी सीरीज़ में आइए देखते हैं 2017-18 का, अभी आपने देखा 2018-19 का सिनेरियो, 2017-18 का देख लेते हैं। तो सीरियल्स क्रॉप में जो क्रॉप्स हैं वो है सीरियल्स में आपका पैडी और उनका प्रोडक्शन वैल्यू। तो पैडी जो है, पैडी जैसा कि आप सभी जानते हैं धान, ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा सटाइवा की अगर बात करें तो 111.01 यानी 111.01 मीट्रिक टन, मिलियन टन्स में आप देख रहे हैं, मिलियन टन्स में इनका उत्पादन है। वीट यानी गेहूं का जो है 97.11 मिलियन टन, सोरगम 4.66 मिलियन टन, मेज यानी मक्का 27.14 यानी 27.14, कोरस सीरियल्स यानी मोटे अनाज की अगर बात कर ले तो 45.42, जिसमें स्मॉल मिलेट्स जो है यानी छोटे जो अनाज हैं वो 0.42 मिलियन टन है। इनका टोटल उत्पादन जो है 253.54 मिलियन टन यानी 253.54 मिलियन टन। अगर पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में ग्राम, ब्लैक बंगाल ग्राम, चना, इसका उत्पादन रहा है 11.10 मिलियन टन। रेड ग्राम तुअर, अरहर का उत्पादन रहा है 4.02, ब्लैक ग्राम उर्द बीन का उत्पादन रहा है 3.23, यहाँ पर ब्लैक ग्राम उर्द का उत्पादन रहा है 3.23 मिलियन टन। इसके बाद देखते हैं अगला जो है हमारे पास क्रॉप है ग्रीन ग्राम यानी मूंग और मूंग दाल जिसको बोलते हैं, तो मूंग दाल 1.74 मिलियन टन रहा है। टोटल पल्सेस का प्रोडक्शन जो रहा है 2017-18 में वो रहा है 23.95 मिलियन टन। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें 2017-18 में तो 277.49 मीट्रिक टन मिलियन टन यानी 277.49 मिलियन टन, और जबकि हमने देखा था 2018 में ये जो था तो 277 से बढ़कर 281.42 मिलियन टन पहुंच गया था। इसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स, तो कमर्शियल क्रॉप्स में क्या चीज़ें हैं, तो कमर्शियल क्रॉप में सबसे आती है ऑयल सीड इंक्लूड 9 क्रॉप्स, ऐसी 9 फसलें जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए आते हैं या तेलहन उत्पादन या तेल उत्पादन के लिए आती है। तो पहला आता है ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं मूंगफली, कास्टर, मस्टर्ड एंड रैपसीड, दूसरा आता है निगार, लिंसेट जैसा कि आप सभी जानते हैं अलसी, सैफ्लावर, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड शीशम यानी तिल्ली जिसको आप बोलते हैं। अगला देख लेते हैं तो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन रहा है वो 11.39 मिलियन टन, रैपसीड और मस्टर्ड का जो उत्पादन रहा है वो है 7.54, ग्राउंड नट का जो उत्पादन रहा है 8.21 मिलियन टन, 8.21 मिलियन टन।
टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन 9 फसलों की अगर बात करें, इन 9 फसलों से कितना ऑयल सीड प्रोडक्शन हुआ है, तो 29.88 मिलियन टन यानी 29.88 मिलियन टन। अदर कमर्शियल क्रॉप्स की अगर बात करें तो अदर कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन का जो प्रोडक्शन रहा है वो 33.9 मिलियन बैल्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कॉटन्स को बैल्स में काउंट किया जाता है, ये बैल्स में काउंट होती हैं और एक बैल का जो टोटल वेट होता है वो होता है 170 kg। कितना वेट होता है तो 170 kg। अगर शुगर केन की बात करें तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन रहा है वो 352.37 मिलियन टन। जूट एंड मेस्टा की अगर बात करें, जूट और मेस्टा को अगर देखें तो 10.5 मिलियन बैल्स, तो 10.5 मिलियन बैल्स। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, देख लीजिए कि एक बैल बराबर 170 kg, एक बैल का जो वजन होता है, एक बैल जो होती है वो 170 kg की होती है और एक बैल 180 kg की होती है, ठीक है। ये आपका कॉटन का होता है, ये जूट और मेस्टा का होता है, यानी कॉटन का जो बेल होगा वो 170 kg का होगा और जूट और मेस्टा का जो बेल होगा वो आपका 180 kg का होगा। कॉटन बेल कंटेन 170 kg टोटल वेट एंड जूट एंड मेस्टा बेल कंटेन 180 kg। बीटी कॉटन एरिया इन इंडिया अगर बात कर लें, बीटी कॉटन की सीडलेस जो कॉटन होता है उसकी बात करें, इंडिया में कितना एरिया है, कितना एरिया पे उगाया जाता है, तो 11.07 मिलियन हेक्टेयर यानी 11.07 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर जो है बीटी कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। अगर परसेंट निकालें तो 96% ऑफ कॉटन एरिया, टोटल 97% जो है वो कॉटन एरिया का यूटिलाइज होता है। बीटी कॉटन एरिया इज हाईएस्ट इन महाराष्ट्र फॉलोड बाय गुजरात। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, किस राज्य में बीटी कॉटन उगाया जाता है, तो अग्रणी राज्य जो है, प्राइमरी स्टेट जो है वो है महाराष्ट्र, उसके बाद में आता है गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। बीटी कॉटन इज द ओनली GM, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, ट्रांसजेनिक क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया। ये ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि इंडिया में उगाई जाती है। सोर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो आंकड़े हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स 2018-19 के एक स्टैटिक्स रहे हैं और ये वहाँ से इंफॉर्मेशंस हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन काफ़ी एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हो सकती है और आप इन इंफॉर्मेशन के माध्यम से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को पास आउट कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम से। यू विल गेट सक्सेस इन वेरियस एग्जामिनेशन एंड यू कैन प्रिपेयर बाय दिस वीडियोस। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।